हाय एवरीवन, दिस इज मनोज कुमार यादव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं कुछ बेसिक्स ड्राइंग और स्केचिंग की वीडियोस अपलोड करूंगा। उस सीरीज़ में ये पहली वीडियो है, तो ये आप एक वर्कशॉप सेशन की तरह से ले सकते हैं। तो बी सीरियस वाइल वॉचिंग दिस वीडियोस एंड इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो कमेंट करो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट चूज़ करा है माँ पार्वती और भगवान शिव का, क्योंकि मैंने इसे महाशिवरात्रि के दिन ड्राइंग किया है। तो इससे अच्छा ड्राइंग सब्जेक्ट मुझे नहीं मिला। तो जो पहली स्किल जिसको मुझे आपसे शेयर करना है वो है मेजरमेंट डेवलप करने का स्किल। यू कैन सी मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सी क्या है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं देख रहा हूँ कि सिर और आँख और नाक और मुंह कहाँ कहाँ पे कैसे है। तो वो एक बेसिक्स लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, उनको आपस में सामंजस्य से बैठा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसा चेहरा या मुकुट या त्रिशूल कैसे आएगा। वो मैं एक बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आर्टिस्ट का सबसे ज़्यादा दिमाग लगता है। तो यहाँ पे अपना पेशेंस बना के रखो। खैर यहाँ पे उतना पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस तो आगे चेक होगा आपका। यहाँ पे मेन है आपका मेजरमेंट डेवलप करने का स्किल। और ऐसा नहीं है कि आपने जो एकदम लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल वहीं पे सब कुछ आना है, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है। लेकिन एक एक ढांचा दिमाग में बोलने से पहले जो हम लोग सोचते हैं, तो ये वो सोचने वाला स्टेज है। कहते हैं ना बोलने से पहले थोड़ा सोच लो, तो ये वो स्टेज है। सी अब मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ जिसमें ये ध्यान रहे ये लाइंस बिल्कुल हार्ड नहीं आपको ड्रॉ करनी है, बिल्कुल लाइट हैंड से ड्रॉ करना है ताकि आपको अगर इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो आप इरेज भी इजीली कर पाओ। सी मैंने जो लाइंस ड्रॉ की हैं उसके हिसाब से ही सब कुछ मैं लेके चल रहा हूँ। कैसे अभी नाग को ड्रॉ किया, वो कहाँ तक उसका सिर आ रहा है। सी एंजॉय वॉचिंग एंड Try to watch these videos in your free time. ऐसे आप देखेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा। अगर आपको सीखना है तो जैसे स्टडी के सेशंस होते हैं उस तरह से इस सेशन को लो। और सामने ऐसे सब्जेक्ट्स जो मैं ले रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिंटरेस्ट से मैंने ये डाउनलोड किया है। तो सही, अब आप भी ये सब्जेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके और ये वीडियोस के थ्रू आप ऐसी ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करना। केवल देखना एक सही चीज़ नहीं है, आप इसको देख के और अपना खुद का प्रयास कीजिए, तब जाके इम्प्रूव होगा। मेरा तो इम्प्रूव हो ही रहा है, आपके इम्प्रूव हो तो फिर मेरे इस वीडियो शूट करने का कोई तुक बनता है। मीनवाइल कॉल भी आ जाते हैं यार, ए हटो यार, हट, अरे हट यार। हाँ ये देखिए कितनी स्मूथली जा रहा है। हो सकता है आपके पहली बार में ऐसा ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल आप फ्लुएंटली करते चले जाओगे। थोड़ा सा आई थिंक बिगिनर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये, कि कॉम्प्लेक्स हो। मैंने ये थ्री साइज पे कर रहा हूँ, आप किसी भी साइज पे कर सकते हैं। बस पहला स्टेज ध्यान रखना कैसे बांटते हैं छोटे छोटे लाइंस। और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लिया, वर्टिकल लाइंस, थोड़ी टेपर्ड लाइन, ऐसा करो कि अपनी एक स्ट्रक्चर तैयार कर पाओ।
आप देख सकते हैं मैंने दो टूल्स यूज़ किए इस ड्राइंग में, एक ये कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और इससे पहले एक विलो चारकोल स्टिक था। इन दोनों का लिंक मैं ट्राई करूँगा, शेयर करूँगा वैसे इसमें डिस्क्रिप्शन में। और आपके क्वेरीज वाले सेशन इंस्टाग्राम पे मैं हैंडल करूँगा, अगर आपकी क्वेरीज रहती हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन क्वेरीज़ को इंस्टाग्राम लाइव सेशंस के थ्रू हैंडल करूँगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से अब तक जुड़े नहीं हैं तो वहाँ पे भी यूज़र नेम है sketch.manu, मैंने स्टार्टिंग में भी रिपीट किया है शायद, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सी एक बार स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, बाकी आपका पेशेंस ही है जो आपको लास्ट तक बना के रखना है, चीज़ें कैसे लाइट एंड डार्क शेड्स में काम कर रहे हैं। बाकी सीरीज द ब्यूटी ऑफ 1 आवर कंटिन्यूस ड्राइंग, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है बट बिगिनर के लिए ये बिल्कुल सही चीज़ है स्टार्ट करने के लिए। इसमें थोड़े कम डिटेल्स रहेंगे और डीप में नहीं जाना है। गाइस इट्स योर टर्न नाउ, अब आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके क्वेरीज रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, सो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप जल्द से देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।